20 वर्षों से लगातार जुर्म व भ्रष्टाचार के खिलाफ हर पल हर कदम आपके साथ। क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क लखनऊ। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री गणेश भक्ति चैनल। यदि धार्मिक वीडियोज में आपकी रुचि है तो चैनल का लिंक वीडियो के अंत में दिया हुआ है। बुधवार को गोविंद नगर स्थित न्यू इंडिया चर्च में पास्टर्स एसोसिएशन की लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बैठक संपन्न हुई। महासचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तो बैठक आयोजित की गई है, जिसमें क्रिश्चियन समाज किस विषय पर वोट देगा इसके लिए मंथन किया गया एवं किस पार्टी को सपोर्ट करना है इसके लिए भी आपस में चर्चा की गई। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह पादरी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्रिश्चियन समाज अति व्यवस्थित तरीके से चुनाव कराने में जो भी शासन का सहयोग होगा उसको किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि 13 मई 2024 को कानपुर नगर में होने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें एवं 100% मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल कर मतदान अवश्य करें। देखिए विशेष रिपोर्ट। मतदाताओं से क्या अपील रहेगी जिससे 100% मतदान हो सके? देखिए 13 मई को जो चुनाव हमारे कानपुर शहर कानपुर लोकसभा का है, हमारा हर एक नौजवानों से और खासतौर पर मसीह समाज के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से यही अपील है कि बढ़ चढ़ कर अपने अधिकार का प्रयोग करें। मतदान एक अलग बात है लेकिन मताधिकार एक अलग बात है। मत जो है हमें अधिकार प्रदान करता है, इसलिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करें ताकि हम इस देश में रहकर अपने अधिकारों की भी बात कर सकें। बढ़ चढ़ कर मत का जाकर इस्तेमाल करें। मसीह समाज द्वारा आगामी चुनाव को लेकर कितनी सहभागिता रहेगी? लेकिन मसीह समाज हमेशा एक पार्टी ऐसा सोचती है कि मसीह समाज का वोट हमेशा हमें मिलता रहा है लेकिन उसके द्वारा सहयोग मसीह समाज को नहीं मिला है, इसलिए मसीह समाज भी जागरूक हो गया है। जो हमारे हितों की बात करेगा, जो हमारे मसीह समाज के साथ खड़ा रहेगा, हम उन्हें अब की बार बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे। और हमारा जन जन से यही अपील है, सभी चर्च के लोगों से, पादरियों से, मसीह समाज के हर एक नौजवानों से, महिलाओं से अपील है कि मत जाकर जरूर दें, अपने अधिकारों का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। जाना जाता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक एक पॉलिशन हुआ है ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम सब लोग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस बात को जानना मैं समझता हूँ आपको पता भी होगा, दो ऑर्डिनेशन हुआ, एक तो आत्मिक ऑर्डिनेशन जब प्रभु यीशु मसीह ने, चाहे वो पौलुस को देखें जो आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि किस तरीके से प्रभु ने उसको चुना दमिश्क के किनारे, आपको मालूम है काम नौ अध्याय में, उसके बाद फिर ये तो हो गया। 20 वर्षों से लगातार जुर्म व भ्रष्टाचार के खिलाफ हर पल हर कदम आपके साथ। क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क लखनऊ। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री गणेश भक्ति चैनल। यदि धार्मिक वीडियोज में आपकी रुचि है तो वीडियोज देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।